नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। यूक्रेन पर रूस की बमबारी सोमवार को यानी कि आज पांचवें दिन भी जारी रही। जंग खत्म करने के लिए दोनों देशों ने बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर 3 घंटे बातचीत की। हालांकि इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं आया है सामने और रूसी मीडिया के मुताबिक दोनों देश फिर से बातचीत भी कर सकते हैं और उधर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रूस बेलारूस के एथलीट पर भी बैन लगा दिया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन पे 16 घंटे में कब्जा करने का सपना तबाह होते देख अब राष्ट्रपति पुतिन ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खौफ का एक जो है प्लान बनाया है। रूस की मीडिया एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। सभी देश जान रहे हैं कि वहां क्या चल रहा है। एटमी कमांड वाले यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और इन्हें हमले की तैयारी करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने सोमवार यानी कि आज ही दोपहर पुतिन को हमले के प्लान के बारे में पूरी जानकारी दी है। तमाम न्यूक्लियर मिसाइलें फायरिंग मोड पर कर दी गई हैं। तो ये स्थिति है जो मैंने आपको बताई है और आज इस पूरे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज के डॉक्टर अनुराग जायसवाल, जिनका स्पेशलाइजेशन है इंटरनेशनल अफेयर एंड डिफेंस स्टडीज में। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं दर्शकों की ओर से भी आपका स्वागत करती हूँ। ये जो हम देख रहे हैं सभी टीवी चैनल्स पे जो एक बड़ी खबर बनी हुई है, जबकि हमारे यहाँ 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये बड़ी खबर बनी हुई है। यूक्रेन पे हमला है, 5 दिन हो चुके हैं, अभी भी कोई दूर दूर तक उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि इस पे कहीं रोक है। क्या क्या मान रहे हैं आप, क्या सोचते हैं ये पूरे सिनेरियो पे? देखिए मनिंदर जी, एक बात तो स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पुतिन ने जो शॉर्ट टर्म या जो एक लिमिटेड स्ट्राइक के अनुमान से युद्ध शुरू किया था कि वो 2 या 3 दिनों में यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, वो हाल फिलहाल होता तो तुरंत तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि लड़ाई अब यूक्रेन की मुख्य भूमि या मुख्य शहरों पर आ गई है, जहां पर सेनाएं जो है फ्रंट टू फ्रंट बॉर्डर पे लड़ना और शहर के अंदर लड़ने में दोनों में बहुत फर्क होता है। तो जो अब ये शहर के अंदर की लड़ाई यूक्रेन की सेना और रूसी सेना के बीच में हो रही है, ये इसे लंबा खींचना है, ये थोड़ी लंबी चल भी सकती है, अभी हो सकता है 3-4 दिन और चले। और जिस हिसाब से पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को सहायता मिलनी शुरू हो गई है, तो उसके कह सकते हैं कि दबाव को कम करने के लिए कि जिससे पश्चिमी देश और ज्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो, मदद ना करें, सोवियत या रूसी राष्ट्रपति पुतिन जी ने अपना एटमी कार्ड खेल दिया है। अच्छा, वैसे सभी को पता है कि परमाणु शस्त्रों का जो है उपयोग प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं किया जाएगा कहीं पर, लेकिन निश्चित तौर पर भयादोहन की स्ट्रैटेजी होती है, तो ये भयादोहित किया जा रहा है पश्चिमी देशों को, या ना वैसे जैसे कि नाटो ने तो पहले ही अपने हाथ पीछे खींच लिए कि हम मदद जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेंगे, मतलब नाटो अपने अपने झंडे के साथ या अपने बैज के साथ अपने लेवल के साथ यूक्रेन में नहीं उतरेगा, ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है पिछले 3-4 दिनों में। अब जो पश्चिम के अन्य देश है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो जापान हो या अन्य जो फ्रांस हो, जो भी लोग यूक्रेन की मदद करना चाह रहे हैं, उनको ये अप्रत्यक्ष रूप से रूस की धमकी है कि अगर वह सीधे सीधे इस क्षेत्र में उतरने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक बहुत ही भयंकर जो है युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। तो ठीक है, पुतिन साहब ने जिस हिसाब से अपनी इस तरह अपनी स्ट्रेटजीज बनाई थी उसमें उन्हें 2 या 3 दिन मुझे लग रहा है यूक्रेन में और युद्ध चलने की संभावना है। और जहां तक अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि जिसमें राष्ट्रपति जेलेंस्की देश छोड़कर जा चुके हैं या अगर छोड़ के नहीं भी गए तो अन्य किसी देश में आसपास ही हैं, तो उस हिसाब से अगर यह लड़ाई 2 या 3 दिन और खिंचती है जिसमें अगर रूस मुख्य भूमि तक कब्जा कर लेता है तो उसके बाद फिर शांति वार्ताओं के दौर चलेंगे और कहीं ना कहीं रूस के लिए यूक्रेन को पूरी तरह से कब्जा करना या हजम कर पाना तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी शांति वार्ताओं के बाद जो है निश्चित तौर पे रूस जो है अपनी स्थिति को ऊपर ले आएगा, जो पिछले 20 सालों में अमेरिकी दबाव के कारण रूस अपने आप को एक दबी हुई स्थिति में महसूस कर रहा था, वह आवरण उसने तोड़ दिया है, अब वह खुल के सामने आ गया है कि अब वह अमेरिका की जो है एक ध्रुवीयता की जो राजनीति है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और अब उसे यूक्रेन के मामले में कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के सामने अपने आप को पुनर्स्थापित करने का एक मौका भी मिल गया है।
तो यह युद्ध कहां तक चलेगा, कितना चलेगा? मुझे लगता है कि यूक्रेन पर कब्जे और यूक्रेन की सेनाओं के सरेंडर करने के बीच की बात है कि वह कब तक जो है इसे आगे बढ़ाते हैं। बाकी हारने के लिए या नुकसान उठाने के लिए केवल यूक्रेन ही है, क्योंकि यूरोप की मुख्य भूमि पर भी कोई युद्ध नहीं है और ना ही रूस को कोई नुकसान हो रहा है। रूस अपनी सेनाओं के साथ यहाँ पर है, तो नुकसान की स्थिति में केवल और केवल यूक्रेन ही है। तो अब यूक्रेन कितने लंबे समय तक इस युद्ध को खींचता है या देखना है। अच्छा, आपने बताया कि ये अभी रुकने की स्थिति में नहीं है, 2-4 दिन और। जी हाँ, एक तो ये है कि अगर 2-4 दिन और युद्ध नहीं रुकता तो आप भी जान रहे हैं कि स्थिति वहां क्या बन जाएगी। फिर भी मतलब एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछूं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध जो है किस ओर बढ़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी जो संभावनाएं कि यह किसी विश्वयुद्ध में परिणित हो जाएगा, ऐसा कहीं से भी नहीं होगा, क्योंकि पश्चिमी यूरोप के देशों ने द्वितीय विश्वयुद्ध में इतनी हानि उठाई है कि वह दोबारा किसी भी यौद्धिक मानसिकता में नहीं जा सकते। किसी न किसी तरह से जो एक लिमिटेड एम है, पहले ऐसा लग रहा था जिस पिछले 15 दिनों से अमेरिकी सूत्रों से लगातार खबर दी जा रही थी कि रूसी सेनाओं का जमावड़ा बढ़ रहा है और जो है यूक्रेन के ऊपर युद्ध का खतरा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अमेरिकी सामरिक विश्लेषकों ने भी एक बड़ी भारी भूल की या गलती की। उन्हें लग रहा था कि ये रूस केवल दबाव बना रहा है और हो सकता है जो क्रीमिया जैसी छोटी घटना हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से रूस ने पूरे यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है, तो अब जो है पश्चिमी देशों के पास या अमेरिका के पास या नाटो के पास विकल्प ही नहीं है कि वह रूस को किस प्रकार से घेरे। रूस से युद्ध करने की स्थिति में कोई भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह युद्ध वहां तक चलेगा जहां तक जो है रूस अपने दबाव में यूक्रेन को ले पाएगा और शांति वार्ताओं के बीच में एक मध्यस्थ देश की भूमिका देखते हैं कौन निभाता है और सेटलमेंट कहां पर होता है। क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की अभी जो है फ्रेम में हैं, अभी उन्होंने सत्ता भी नहीं छोड़ी है और वो अभी जो है मुख्य धारा में अपने आप को बता रहे हैं, तो शांति वार्ताओं तक हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन हाँ, 2-3 दिनों में मुझे लगता है आपने अभी एक शब्द यूज किया मध्यस्थता का, तो आप समझते हैं कि भारत में इसकी क्या भूमिका होगी जब हम मध्यस्थता की बात करते हैं? जी हाँ, देखिए अब स्थिति ऐसी बनी हुई है कि देखिए सबसे बड़ी जो वैश्विक शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ इस समय अपने आप को जो है पंगु या संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थिति वो पंगुता की ज्यादा है। वह कहीं से भी किसी भी प्रकार से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है जिसमें कि इस क्षेत्र में शांति को स्थापित किया जा सके। तो अब पूरी दुनिया जो है देख रही है अन्य पक्षों की तरफ कि कौन कौन से ऐसे देश है जो इस मामले में मध्यस्थता कर सकते हैं। अब रूस के साथ चीन प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, तो चीन को मुझे नहीं लगता है कि मध्यस्थता के लिए यूक्रेन या उसके अन्य जो सहयोगी देश है वह मानेंगे, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी भूमिका निकल कर आने वाली है। चूंकि यूक्रेन लगातार भारत से आग्रह कर रहा है कि वह इस युद्ध में यूक्रेन के लिए जो है आह्वान करे कि युद्ध को रूस रोके, और भारत के प्रधानमंत्री भी लगातार रूस के राष्ट्रपति के साथ संपर्क में है, कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की भूमिका जो है अगर यह युद्ध जो है आगे जिसमें शांति वार्ताएं शुरू होती है, तो भारत के लिए भी एक भूमिका है कि वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध में मध्यस्थता के माध्यम से स्थापित कर पाएगा। अच्छा, इसमें अभी सामने आ रही है यूरोपीय संघ की आप क्या भूमिका देख रहे हैं? देखिए, यूरोपीय संघ जो है मुख्य रूप से आर्थिक संगठन ही है। यूरोप अब इतना छोटा है कि वह कहीं से रूस को प्रतिरोधित करने की स्थिति में नहीं है, तो यूरोपियन यूनियन पूरा जो भी है वह केवल रूस को आर्थिक आर्थिक बंधनों में जो है बांधने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वह युद्ध को रोकने के लिए काफी नहीं हो सकते। ये इसके पोस्ट इंपैक्ट या युद्ध के बाद तो इसके असर हो सकते हैं कि सोवियत या रूस को कुछ नुकसान उसकी अर्थव्यवस्था के हिसाब से पहुंचाया जा सके, लेकिन जब आप युद्ध जैसी स्थिति में होते हैं तो इन सब छोटे मोटे नुकसानों की परवाह नहीं करते, वो पहले से ही प्री कैलकुलेटेड होते हैं। रूस ने भी इन सब चीजों को बहुत पहले सोचा होगा कि किस तरीके से कितना रिएक्ट करेंगे पश्चिमी देश, रूस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, या हमें कितना ज्यादा प्रतिरोधित कर पाएंगे आर्थिक क्षमताओं के माध्यम से। तो ठीक है, यूरोपियन यूनियन केवल जो है यूक्रेन को मदद तो पहुंचा सकता है, लेकिन वह रूस के सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़े होने की स्थिति में कहीं से कहीं तक भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन हो या नाटो हो या संयुक्त राष्ट्र संघ हो या अमेरिका हो, कहीं से भी रूस को जो है इस समय दबाव में लेने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, अब आज देखिए 5 दिन हो चुके हैं
चूंकि इंटरनेशनल अफेयर्स में आपका स्पेशलाइजेशन है, तो आप का माइंडसेट क्या कहता है, वहां क्या हो चुका होगा? 5 दिन अगर जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, क्या सोचते हैं आप इसको लेकर के, वहां देखिए के जो मनिंदर हालात जी हैं उसको किस तरीके से देखते हैं? जी 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 देखिए मनिंदर जी, युद्ध के हालात हमेशा से ही बहुत ही भयानक और भयावह होते हैं, इसमें कोई भी जी संशय नहीं है। जब एक बार युद्ध शुरू हो जाता है तो उस देश की आंतरिक स्थिति और आंतरिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से टूट जाती हैं, चरमरा जाती हैं। और विशेष तौर पे जी यह युद्ध तो एक ऐसा युद्ध है जिसमें रूस बहुत ही शक्तिशाली पक्ष है, और यह सारी की जी सारी लड़ाई केवल यूक्रेन की मुख्य भूमि पर ही हो रही है। तो निश्चित तौर पे जी सारा का सारा नुकसान यूक्रेन उठा रहा है। और युद्ध में जिस हिसाब से, जिस तरह से रूसी सेनाओं द्वारा बमबारी की जा रही है, जिस तरह से यूक्रेन की व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर से वहां की लोगों के लिए भविष्य में बहुत सारे संकट खड़े होने वाले हैं। पहली बात तो युद्ध निश्चित तौर पर जी समाप्त होगा, मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन युद्ध समाप्त जी होने के बाद जब यूक्रेन के लिए बहुत सारी नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी, पहली बात तो उसकी राजनीतिक अस्थिरता ही उसके सामने है कि वो राष्ट्रपति जेलेंस्की वहां पर आएंगे या क्या होगा। दूसरा, अब युद्ध के जी बाद अर्थव्यवस्था को दोबारा संभाल पाना, पुनर्निर्माण करना, ये बहुत बड़ी समस्या है। और उससे बड़ी बात यह है कि वहां के जो देश के नागरिक है, जो या तो पलायन कर रहे हैं या एक दूसरे भय में आ गए हैं। तो रूस निश्चित तौर पे यूक्रेन को आर्थिक रूप से बहुत कमजोर करके जाएगा, और यूक्रेन को दोबारा स्थापित करने में हो नहीं, सकता है आपको नाक पे शक आपको लगे। कहीं ये भी लग रहा है कि आपको कहीं ये भी लग रहा है कि अनुराग जी, आप जी सुन जी पा रहे हैं बताएं। मुझे? जी हाँ बताएं। आपने उम्मीद की थी कि पुतिन जो है इस तरीके से हमला करेंगे? देखिए मुझे मुझे नहीं लगता है कि मैं केवल मेरा ही नहीं, पूरी वैश्विक समुदाय में भी किसी को अनुमान ये नहीं था कि यूक्रेन के ऊपर इतना भयंकर हमला होगा। लग रहा था कि एक सीमित युद्ध सा होगा, लो इंटेंसिटी वॉर किया जाएगा, जिसमें जैसा कि हुआ अभी पहले 2 दिनों में, जिस तरीके से डोनेस्क और लुहांस को उन्होंने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, उम्मीद ऐसी थी कि इतना ही हो पाएगा और इसके बाद जो है वार्ताएं शुरू हो जाएंगी और या जो है या युद्ध यहीं पर रोका जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने जिस हिसाब से पूरे यूक्रेन पर तीन ओर से आक्रमण किया है, उस हिसाब से उनकी मंशा जो है एकदम स्पष्ट है कि वह पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा करेंगे। उसके बाद ही वह अन्य देशों के साथ किसी प्रकार की अन्य वार्ताओं में अपने आप को आगे लाकर बात करेंगे। ये वार्ता तभी औपचारिक रूप से शुरू होगी जब लगभग यूक्रेन पर कब्जा हो चुका होगा। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। इस समय बहुत सारे भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं और हमारी गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से काफी प्रयास कर रही है, लेकिन बीच बीच में कुछ वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि वो वहाँ जो एक प्रॉपर उनको हेल्प दी जानी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रही है। देखिए युद्ध जैसी परिस्थिति में व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा जाती हैं, तो हमें यह नहीं मान के चलना चाहिए कि चीजें उतनी ही सिंक्रोनाइज या उतनी लयबद्ध होगी जैसे आम दिनों में होती है। निश्चित तौर पे भारत के लिए, भारतीय विद्यार्थियों के लिए जो वहां पर रुके हुए हैं या जो फंसे हुए हैं, उनके लिए एक बहुत ही कठिन समय है। लेकिन अब युद्ध के भी अपने दायरे होते हैं, यहाँ से जो भी सहायताएं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है अपने अपने नागरिकों को या अपने जो है हमारे मेडिकल के छात्रों को वापस लाने की जो कोशिशें सरकार द्वारा की जा सकती है, वह लगभग की जा रही है। मुझे नहीं लगता उस प्रयास में कहीं कोई कमी है। कल भी या आज भी जो है 3 केंद्रीय मंत्रियों को वहां भेजे जाने की बात कही गई है। देखिए, और एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि युद्ध क्षेत्र में से कोई भी रेस्क्यू करना बहुत आसान नहीं होता है। रेस्क्यू या जो भी किए जा रहे हैं वो अन्य पड़ोसी देशों के माध्यम से वहां से छात्रों को लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे जो भी लोग वहां पर रह गए उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और वह एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वह भारत वापस आ जाए। तो मुझे नहीं लगता, मुझे इसमें भारत सरकार की योगदान और भूमिका बहुत ही अच्छी है। वह पहले दिन से ही बहुत एक्टिव है
और जो है तरह तरह से अपने लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, उन्हें बचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कूटनीतिक माध्यम से भी कोशिशें की जा रही है कि भारतीय छात्रों को कोई नुकसान कहीं पर भी ना पहुंचे। ये खबरें आ रही हैं कि ईरान और इराक जो है यूक्रेन में घुस करके अपने फाइटर प्लेन से अपने लोगों को ले गए हैं और भारतीय फ्लाइट्स को एंटर होने में काफी दिक्कत हो रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? मैडम देखिए, फाइटर प्लेन से किसी को कितना रेस्क्यू किया जा सकता है वो तो बहुत ही अलग सी बात है, लेकिन देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई युद्ध शुरू होता है तो अंतर्राष्ट्रीय विधि की कुछ नियम कानून लागू हो जाते हैं, तो कोई भी थर्ड पार्टी ऐसे किसी भी देश के अंदर एंटर नहीं करती है, उसके लिए उसे प्रॉपर परमिशन होता है, प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना पड़ता है, नहीं तो अगर उसकी हानि हो गई, मान लीजिए कि एक जहाज जो लेके जा रहा है उसे अगर उन्होंने एनिमी प्लेन डिटेक्ट करके किसी ने टारगेट कर दिया तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी खड़ी हो जाएगी, तो ऐसा जो है नहीं किया जाता है, एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है जिसके हिसाब से चीजें मैनेज की जाती हैं। कहीं आपको ये भी लग रहा है कि इसमें यूक्रेन का कुछ हिस्सा कट जाएगा और ये शांति हो जाएगी? देखिए मैम, अभी तो जो सामने दिखाई दे रहा है वो तो यही है कि डोनेस्क और लुहांस्क को तो उन्होंने स्वतंत्र प्रांत घोषित कर ही दिया है, तो वो तो अब मान के ही चलिए कि वो अब अलग रहेंगे या वो बाद में किसी अन्य विधि से जो है रूस का हिस्सा बन जाएंगे, तो नुकसान तो यूक्रेन को हो चुका है और अब ये देखना है कि वो कितने कम नुकसान पर अपने आप को वापस जो है अंतर्राष्ट्रीय अपने जो बिरादरी में यूक्रेन अपने आप को कितना वापस स्थापित कर पाता है, यूक्रेन एज इट इज यूक्रेन रहेगा या उसके कुछ हिस्से टूट के रूस में चले जाएंगे या उसके जो प्रांत स्वतंत्र घोषित कर दिए गए उनको संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता मिलेगी, अन्य देशों की मान्यता मिलेगी, ये निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में संभव है कि वो तभी क्लियर हो पाएगा, लेकिन हाँ यूक्रेन को नुकसान हो चुका है। अब जो रूस का बाउंस बैक है, आप ये समझिए कि रूस इस बार बाउंस बैक कर रहा है, पिछले 20 सालों से अमेरिकी दादागिरी जो एक ध्रुवीयता है, जो यूनिपोलैरिटी बनी हुई थी, ये उसका जवाब है। ये केवल मामला यूक्रेन का नहीं है, ये रशिया की इमेज का, प्रेस्टीज का बाउंस बैक है। आप बहुत लंबे समय तक जो है 20 वर्षों तक आपने रूस को जो है उसकी भूमिका से अलग रखा हुआ है उसकी क्षमता के अनुसार, तो अब ये उसका रूस का बाउंस बैक है और ये पश्चिमी देशों को अमेरिका को चेतावनी है कि अब वो अमेरिका वो रूस के साथ उस तरह का व्यवहार ना करें जिस तरीके से पिछले वर्षों में करते आए हैं। एक आखिरी सवाल है, पुतिन ने ये जो एक इसे कहिए कि जो एक हरकत की है, ये दूसरे जो पावरफुल देश हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं, वो कुछ क्या मानते हैं? देखिए मनिंद्र जी, बिल्कुल उन रूस का स्पष्ट संकेत ये है कि हम अपनी नई भूमिका में आ चुके हैं, अब जो है अमेरिका, अब ये दुनिया एक ध्रुवी नहीं रहेगी जैसे कि अमेरिका उसे अपनी मर्जी से चलाता आया है पिछले 20 वर्षों में, अब जो है रूस अपनी भूमिका को दोबारा शीत युद्ध काल में जो एक सशक्त ध्रुवीयता थी या बाइपोलैरिटी थी, अब वो उस पुराने रोल में आ रहा है, और अब जो है अमेरिका के प्रभाव को कम करने के लिए अब ये केवल मामला केवल जो है रूस की सीमाओं पर नहीं रहेगा, अब जो रूस की सीमाओं से लगे अन्य देश है, चाहे वो लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, जिन्होंने नाटो की मेंबरशिप ले ली है, अब ये दबाव वहां पर भी आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं अमेरिका को अब इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि अब वो रूस को हाशिए पर नहीं रख पाएगा, अब रूस को पुरानी उसकी जगह देनी ही पड़ेगी अमेरिका को, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में रूस को अमेरिका ने बहुत ज्यादा साइडलाइन करने की कोशिश की, लगातार रूस कह रहा है, अगर ये यूक्रेन का झगड़ा भी नहीं पड़ता, अगर पिछले 5 वर्षों से रूस कह रहा है कि यूक्रेन में नाटो के प्रसार की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अनावश्यक रूप से रूस यूक्रेन को प्रोत्साहित किया हुआ था कि नहीं हम आपको लेंगे, तो कहीं ना कहीं रूस की भूमिका को अब आप नकार नहीं पाएंगे, रूस और चीन का जो सामने से गठजोड़ दिखाई दे रहा है ये तो अमेरिका के लिए और भी बड़ा खतरा हो रहा है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने अनुराग जी, मैं समझती हूँ कि काफी चीजें आप समझा पाए जो इस समय जिन पे सबकी नजरें लगी हुई, जो सवाल सबके मन में रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही हम फिर मिलेंगे और इस मुद्दे पे ही बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी इसमें चीजें खुलना बाकी हैं। तो दर्शकों से विदा लेते हैं और आपका एक बार मैं फिर से शुक्रिया करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 मनिंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और
निश्चित तौर पे हम पुनः मिलेंगे, और आपका यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद।